केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल जिला ऊना से विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। संकल्प रथ के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में दी जाएगी जानकारी। जनजातीय जिला किन्नौर के उपमंडल पू के रिब्बा पंचायत पहुंची संकल्प यात्रा। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिलाई गई शपथ। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक वीके चौहान के निधन पर जताया शोक। आज सुबह दिल्ली में हुआ निधन। दो बार चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से रह चुके थे विधायक। मुख्यमंत्री ने कहा, चंबा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उनके सराहनीय योगदान को किया जाएगा याद। मंडी जिला में अग्निवीर भर्ती रैली के प्रबंधों को लेकर की गई बैठक। 20 से 26 दिसंबर तक पडल मैदान में आयोजित होगी भर्ती रैली। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने युवाओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य स्वास्थ्य समिति कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष नवनीत गुलेरिया ने प्रदेश सरकार से की मांग। कहा, NHM कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द स्थायी नीति बनाए सरकार। मांग पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्राहकों के लिए पर्सनल दुर्घटना बीमा की शुरुआत की। डाकघर सोलन मंडल सपरून के अधीक्षक रामदेव ने कहा, ग्राहकों को 396 रुपए और 399 रुपए में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जा रहा प्रदान। शिमला में वन संरक्षण अधिनियम की समीक्षा बैठक। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लंबित मामलों पर हुई चर्चा। अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने कहा, प्रदेश के विकास में पर्यावरण और विकासात्मक गतिविधियों को संतुलन बनाना अनिवार्य। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम रहा साफ। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1 दिसंबर तक हो सकती है हल्की बारिश।